मोहम्मद अली अशरफ फातमी की राजनीति ने एक बार फिर 5 दिनों के भीतर ही एक और करवट ले ली। सोमवार को 18 अप्रैल को अली अशरफ फातमी ने मधुबनी लोकसभा सीट से हाथी की सवारी की थी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया था मधुबनी लोकसभा सीट से 18 अप्रैल को अली अशरफ फातमी ने, लेकिन नाम वापस लेने के आखिरी दिन 22 अप्रैल सोमवार को उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अब अली अशरफ फातमी मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरभंगा में सोमवार की शाम अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने यह ऐलान किया। मीडिया से दिल खोलकर बात की अली अशरफ फातमी ने, दिल खोलकर मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन साफ साफ बहुत कुछ कहने से बचते भी रहे फातमी। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सबसे ज़्यादा मजबूत है, पूरे देश में एनडीए सबसे ज़्यादा बिहार में मजबूत है। यह बात वे महागठबंधन को समझाते रहे लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था, कहा फातमी ने। फातमी इतने पर ही नहीं रुके, कहा जिस कड़वाहट से तेजस्वी ने बात की उससे ज़्यादा कड़वाहट से अगर लालू बोलते तो उन्हें दुख नहीं होता, क्योंकि लालू उनके पिता समान हैं, उनके बड़े भाई हैं। अली अशरफ फातमी ने मीडिया के सामने कहा कि तेजस्वी की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा साल उन्होंने आरजेडी की सेवा की है। फातमी ने कहा आरजेडी में वापस जाने या फिर भाजपा ज्वाइन करने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की अली अशरफ फातमी ने जमकर तारीफ की। कहा वो मेरे प्रमोटर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सम्मान देगा वहीं जाएंगे वो, यह भी कहा फातमी ने। लेकिन फातमी किधर जाएंगे इस बात को उन्होंने एक बार फिर छुपा लिया, लेकिन इशारों में नीतीश कुमार की तारीफ करना, भाजपा में नहीं जाने की बात करना, आरजेडी में वापस बिल्कुल नहीं जाने की बात करना कई संकेत जरूर दे गया। का काफी सहयोग रहा मेरी पूरी लड़ाई में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के पत्रकार सम्मेलन का उद्देश्य है कि मैं बताऊं आपसे कि आज मैंने अपना नामांकन वापस क्यों लिया। सबसे पहले मैं पहले की बात कर दूं कि आज से 5-6 महीना पहले मैं पार्टी की ओर से मधुबनी भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए। बीएलए, बूथ कमेटी, बड़ी बड़ी सभाएं, छोटी सभाएं वहाँ की लोगों को तैयार किया और वहाँ राजद और गठबंधन के साथियों में काफ़ी उत्साह था कि पहली मर्तबा जनता दल या राजद का कोई एमपी वहाँ से बनेगा। इतिहास में कभी नहीं बना, आप लोगों को मालूम है, कभी हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, कभी हम लोगों ने सीपीआई को छोड़ा था, तो इस दफा उम्मीद थी। लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ, एक दिन पहले तक रात तक मुझसे कहा गया कि आपका मधुबनी क्लियर हो गया, चाहे वो तेजस्वी जी हो चाहे लालू जी हो, सब तरफ से कंफर्मेशन था कि मेरा टिकट हो गया। लेकिन जिस दिन टिकट का बंटवारा था मधुबनी का, दरभंगा का, मालूम ये हुआ कि मधुबनी सीट वीआईपी को किसी साजिश के तहत दे दिया गया। मैंने प्रोटेस्ट भी किया वहां कि भाई इसको रीचिंग करो, क्योंकि पार्टी ही ने मुझे वहां काम करने के लिए भेजा था। मैं 4 मर्तबा का लोकसभा मेंबर रह चुका था, 7 चुनाव लड़ चुका था, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, लोग भी थे, और जितनी भी कलाएं होती है चुनाव लड़ने की मेरे पास थी। फिर न जाने क्यों एक ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाया गया, वीआईपी पार्टी जिसका कोई मेंबर नहीं है वहाँ, पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उनको वहाँ से टिकट दे दिया गया। मैंने प्रोटेस्ट किया, पार्टी से रिजू किया कि आप मेरे ऊपर पुनर्विचार करें, जरूरत पड़े तो मुझे वीआईपी ही से चुनाव लड़वा दे, मैं कहाँ जाऊंगा, जीत करके तो एक ही परिवार में रहूंगा। लेकिन मुझे कहीं से कंसीडर नहीं किया गया। फिर मैंने कहा कि मैं 18 तारीख जो कि आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की,
मैं उस दिन नॉमिनेशन फाइल करूंगा। और मैं समझता था कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आएगा, चाहे मधुबनी से सीट बदली जाए या फिर उस वक्त तक शिवर भी अनाउंस नहीं हुआ था। अब शिवर से मुसलमानी चेहरा आया, लेकिन गया से वो भी अननोन पर्सन, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि राजद ने किन विचारों से ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया। जो तो नतीजा बताएगा, जो नतीजा आने वाला है 23 तारीख को। तो हमने फिर वहां पे जिन लोगों के साथ काम किया था उनकी मीटिंग ली, हमारी जो कोर कमेटी थी उसकी मीटिंग ली मधुबनी लोकसभा की, और उसमें बात ये निकल के आई कि आपको लड़ना चाहिए, न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपका प्रोटेस्ट भी दर्ज हो और आप जीत भी सकते। मैंने कहा ठीक है, मेरा जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी को हराना, उसी एजेंडे के तहत पहले मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन 17 तारीख को बहुजन समाज पार्टी ने मुझसे कहा कि आप मेरे सिंबल से लड़िए। मैंने कहा ठीक है, उनको दो शर्तें रखी कि ये शर्त हमारी अगर पूरी होगी, उसमें एक बहन मायावती का आना भी था, तो मैं कंसीडर करता हूँ आपके। 17 तारीख को उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, 18 तारीख को मैंने फॉर्म भर दिया। और यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, आप लोग ही पत्रकार भाई हैं, मालूम कर लें, भारतीय जनता पार्टी के इक्वल लोग हमारे नॉमिनेशन के वक्त आए और मुझे अपना समर्थन दिया। महागठबंधन के अंदर आधी भीड़ थी, मालूम कर लीजिएगा, हेलीकॉप्टर भी गिरा था, आधी भीड़ थी। और अब भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कहीं नॉमिनेशन के वापसी के दिन तक भी कुछ होगा, लेकिन बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। मुझे जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला, जनाब मोहतरम वली रहमानी साहब का, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और बिहार में इमारत शरिया के भी सदर हैं। उन्होंने खुद से कॉल किया कि आपकी जो खिदमात है दरभंगा के लिए और मुल्क के लिए, इसको दरकिनार किया गया और आपको टिकट नहीं मिला। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़िए, आपकी मैं मदद करूंगा। उनका एक बहुत बड़ा हलका है वहाँ, बहुत लोग हैं उनके, उन्होंने खत भी जारी किया और खुद से कॉन्टेक्ट किया लोगों। तो जब इतना समर्थन मुझे मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं चुनाव लड़ूंगा। लक्ष्य वही था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को हराना था, लेकिन नॉमिनेशन के बाद से लेकर आज तक, जो आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन वापस लेने का, शायद मैं उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहा था जो मैं चाहता था, क्योंकि बीच में शकील अहमद साहब ने भी नॉमिनेशन कर दिया और वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, वहाँ के एमपी भी रह चुके हैं और उनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, दो दो पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो डिसीजन लेने में, फैसला करने में प्रॉब्लम। मैंने अपने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और साथ साथ वली रहमानी साहब और उनके पूरे ग्रुप जिनका समर्थन मुझे हासिल था उनसे भी बात किया। आखिर में हमारे सारे साथियों का और वली रहमानी साहब का भी की भी ये राय हुई कि सोच समझ के कदम उठाना है ताकि वोट भी संगठित रहे, एक साथ रहे, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है वो भी पूरा हो, और इसके लिए जरूरत पड़े तो आप चुनाव से अलग भी हो जाए। ये मेरा कोई अपना निजी फैसला नहीं है, ये हमारे कोर कमेटी, हमारे समर्थक, जो हमारे दोस्तों ने जिन्होंने साथ दिया था, वली रहमानी साहब, सभी लोगों का सामूहिक फैसला है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है कि इसको विड्रॉ किया जाए। और आज मैंने समय से पहले डीएम के पास जा करके अपना नामांकन वापस ले लिया और मुझे लगता है कि मेरे सर से एक बड़ा बोझ हट गया। मैंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है मधुबनी में, हमने हजारों
दोस्त बनाए हैं, जिसका प्रदर्शन नामांकन के दिन भी हुआ और जब मैं हटा हूं उसके बाद भी लगातार फोन जारी है। लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है कि आपने ये काम क्यों किया, जब नॉमिनेशन हो गया हम लोगों का समर्थन था तो आपको हटना नहीं चाहिए था। ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, वो भी है हमारे सामने, लेकिन आज अब जब आपसे बात हो रही है, मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। टारगेट वही है, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उनके जो यहाँ के इंचार्ज हैं बिहार के, उनसे मैंने कहा था कि मैं, मेरी दो शर्तें हैं, एक शर्त मैं बताऊंगा नहीं, एक शर्त के बहन मायावती जी का कार्यक्रम लगे मधुबनी, वो आज तक वो हमें नहीं कंफर्म कर पाए कि उनका प्रोग्राम लगेगा या नहीं। उसकी वजह उन्होंने बताया कि बहन मायावती जी का कार्यक्रम एक महीने तक का तय है और वो चूंकि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको रीरूट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो बातचीत चल रही है, तो बातचीत पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। हम बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए तो हमें वहाँ पे बहुत सारे लोग जाएंगे, बीजेपी के भी जाएंगे, आरजेडी के भी जाएंगे, रालोसपा के जाएंगे, हम के जाएंगे, बहुत जो जो गठबंधन है वीआईपी के लीडर जाएंगे, राजद के जाएंगे, तो हमारा भी तो लीडर चाहिए था, तो वो कंफर्म नहीं कर पाए आज। इसीलिए मैंने कहा कि ये सामूहिक फैसला सारी चीज़ों को सामने रख के किया गया। नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो एक तरह से समझो इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने संबल लिया था, ये एक बीच का ट्रांजिशन मैनेजमेंट था, वो मैंने किया। अगर जीत जाता तो उन्हीं के साथ रहता, इलेक्शन इवन लड़ लिया होता तो उन्हीं के साथ रहता, लेकिन अब तो परिस्थिति अलग है, मैं लड़ा ही नहीं चुनाव, मैंने तो वापस ले लिया अपना नॉमिनेशन। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ आपको, मैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल में था, मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, मैं नहीं हटा था। आपको याद होगा बहादुरपुर में बरवार घाट में आए थे तेजस्वी जी, उन्होंने ऐलान किया और कहा कि उनको 6 साल के लिए हटाने की बात की, और ये कोई ठेका थोड़ी है कि सब एक ही आदमी को बार बार टिकट दिया जाए, जो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी वो किया। मैंने नेट पे ऐलान कर दिया था कि हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हैं, न आगे आने वाले दिनों में होंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, वली रहमानी साहब हैं हमारे जो कायद हैं, और हमारी कोर कमेटी है हर असेंबली हल्के की, मैं सबकी मीटिंग बुला रहा हूँ एक एक लोगों की, आप कोर कमेटी की मीटिंग करके किसी नतीजे पहुँचूंगा। अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं है मैं किसकी बात करूँ। वो एक ऐसी बात है, समझ लो, जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लोजप्पा ज्वाइन कर रहे हैं, ये बाहर की बात होगी। मेरे दिल की बात यह है कि अब जो मुझे इज्जत देगा, सम्मान देगा, जगह देगा, पोजीशन देगा, अभी ऐसा पांचवी वही जाएगा। भाजपा देगी तब? नहीं, नो क्वेश्चन। अभी ज्वाइन करने का समय नहीं है, अभी तो इलेक्शन का समय है, हमारे कुछ अपने एजेंडे हैं उसको पूरा करूंगा और फिर देखूंगा इलेक्शन के बाद। मैं अपने जितने भी सलाहकार हैं, दोस्त हैं, दरभंगा, मधुबनी, बिहार से बाहर, सबसे बात करके कौन मुझे क्या बनाता है, किस जगह पे ले जाता है, कितना घास डालता है, मेरे अंदर हैसियत होगी तो डालेगा, तो उससे बात करेंगे, बात करके कहीं तो जाना है, ये तो पक्की बात है। राष्ट्रीय जनता दल में इसका ठेका नहीं लिया मैंने, मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूँ, ये बात को समझ लीजिए। तो आज तक तो मैं मधुबनी में था, आप जानते हैं, अब रात है, कल है, परसों है, 29 तक है, सब लोगों से बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूँ, मधुबनी समझ लीजिए, मैं
मैंने आपसे कहा उसके लिए कोर कमेटी है हमारी, हमारे बनी रमानी साहब ने जो उनसे बातचीत करके हम किसी डिसीजन, देखिए ऐसा है कि बातचीत तो बहुत सारी पार्टी के लीडरों से होती रहती है और होनी चाहिए, क्या बुराई है। जब हम किसी पार्टी में नहीं हैं तो किसी पार्टी के लीडर से बात करने में, या ऐसे भी अगर हम किसी पार्टी में भी हैं तो बात करने में क्या बुराई है, जरूर हुई होगी, जरूर होगी। सर आप एक बात समझिए, बहुत जगह पर माले खड़ी है, माले खड़ी है बहुत जगहों पर खड़ी है ना, और बीजेपी के खिलाफ भी खड़ी है और आरजेडी के खिलाफ भी खड़ी है, खड़ी हुई या नहीं, तो वो वोट तो डालेंगे, वो वहाँ पर जो माले के लोग हैं वोट डालेंगे, तो कोई जरूरी जीतने के लिए डाले या हारने के लिए डाले। अच्छा एक चीज बताइए, ये हमारा विल होगा कि हम अपना वोट कहाँ डालें, और जहाँ तक हमारे सहयोगियों का बात है उनसे बात करेंगे क्या करना है। नीतीश कुमार के काम को मुझसे क्यों एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा लोगों ने उनके काम को अच्छा माना है और बार बार जिताया है उनको। अच्छा आप मेरे रोकने से अगर रुक जाए एनडीए बिहार के अंदर तो मैं रोक दूं। मैं समझता हूं कि बिहार ही एक राज्य ऐसा है पूरे देश में जहां एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत है, और ये मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। नीतीश कुमार हमारे 89 से दोस्त हमारे प्रमोटर रहे, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। लेट अस सी कौन हमें बुलाता है, कौन मुझे इज्जत देता है, कौन हमें जगह देता है, कौन हमारे हमसे प्यार करता है। माय डोर इज ओपन फॉर एवरी सेकुलर पार्टी। आरजेडी में कोई सवाल ही पैदा, अगर वही जुमला जो तेजस्वी जी ने बोला, अगर वही जुमला या उससे कठोर जुमला लालू प्रसाद जी बोले होते, उससे और बहुत ज्यादा तो मुझे सदमा नहीं होता। इसलिए कि ही एल्डरली फिगर, फादरली फिगर, बिग ब्रदर, और उनकी तो बहुत बातें हम लोग सुनते रहे, सुनेंगे बड़े हम। लेकिन एक नौजवान जिसकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा हमारी पार्टी के अंदर, जनता दल और आरजेडी के अंदर हमारा काम है। मैं 30 साल से जनता दल और आरजेडी में हूँ। मैं आरजेडी के बनाए, जो बना जब आरजेडी, उसके बनाने वालों में हमारे भी उसके अंदर योगदान है, और उसको वो फरमा रहे हैं कि 6 साल की बात कर रहे हैं और ठेके की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि लालू जी अगर इससे कठोर जुमला भी इस्तेमाल करते तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या वजह है कि इतने कम उम्र, जल्दीबाजी क्या थी, और उनको क्या अधिकार था मेरे खिलाफ बोलने का? अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता था लालू जी बोल सकते थे, क्योंकि वो अध्यक्ष थे पार्टी के, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, हम नेशनल काउंसिल में थे, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, हम स्टार प्रचारक में थे, हम उनके अंडर में आते ही नहीं, वो तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के विपक्ष के नेता, हम तो लालू यादव जी के अंडर में आते जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अगर आप कभी भी जिंदगी में मुझसे लालू जी के खिलाफ बोलवाइएगा मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट। और आपने देखा होगा, आपने नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ पूछा होगा, बहुत जमाने से मैंने कभी भी एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं बोला होगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब 89 में मैं नौकरी छोड़ करके सऊदी अरब से आया था तो नीतीश कुमार जी सबसे बड़े हमारे प्रमोटर थे। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम अपनी गाड़ी, मैं ड्राइवर रहता था, नीतीश कुमार जी हमारे बराबर में बैठते थे, विजय कृष्ण जी उनके बराबर में बैठते थे, और हम लोग साथ गोपालगंज सिवान उनके घर की तरफ हम लोग ड्राइव करके उनको लेके जाने वाला। आपने तो कहा ना सिक्योरिटी होती थी ना कुछ होता था, और मुझे 91 में अगर टिकट मिला तो उसमें उनका भी योगदान था, रंजन यादव जी का भी योगदान था,
उस वक्त सब एक ग्रुप था, लालू यादव, रंजन यादव, नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा हमारे समर्थन इसलिए होता था कि वो भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर था। वो जानते थे कि मैं स्ट्रगल से आया हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, कैबिनेट मेंबर भी रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनियन में भी रहा हूँ, जेल भी गया हूँ, आंदोलन में रहा हूँ, 74 के आंदोलन में रहा हूँ, एमयू के अंदर, अलीगढ़ के अंदर। तो वो सब चीज जानते थे, इसलिए हमें वो तरजीह देते थे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के ऊपर तरजीह देते थे वो, जबकि वो पुरानी सहयोगी थे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मैं उनका पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ। और कभी भी आपने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, आपने बहुत पूछा होगा, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होगा।